बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंडा चिंजी नाजरीन, एडमंड मेंडा चिंजी इस वक्त चिंजी नेशनल पार्क के सामने मौजूद है और चिंजी दे खूबसूरत फिजावां विच, चिंजी दे मेन हसीन इलाके विच, चिंजी दी शान आन 30 बंगला, चिंजी दा हुसन जड़ा वो दिलफरेब है। जड़ा बंदा भी बारो जड़ा दोस्त यार जो भी विजिटर आने वो एक बारी इस इलाके दे गीत गाने गुन गाने उसे उन ए सदियां तो ये हुसन तो मौजूद आया, लेकिन इस इलाके इस हुसन यूटिलाइज करने का कोई जरिया नहीं बनया। मैं फखर है मां उन लोगों ते जिन्हें इस मकसद वास्ते ये सोच अपनाइए कि भाई इस जगह ते इस खूबसूरत इलाके एडवर्टाइज किया वजे और इस लोगों के सामने पेश किया वजे और एक इतने नेशनल पार्क बनाया वजे जिथे लोग जड़ा आके विजिट करन इस इलाके खूबसूरत इलाके वेखन। सामने 30 बंगला मशहूर है ही है, उस इलाके लोग आने भी हैं और स्टे भी करे उसे ऑफिस से सारा कुछ सिलसिला चलना, लेकिन एक नेशनल पार्क का जड़ा सिलसिला वो एक सेपरेट केस है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इस एक इस वास्ते कहने एफर्ट आन ये किस बनवाया, इसे सोच किस दी गई, इस इलाके दे हुसन एडवर्टाइज करने वास्ते कै इस लोग हुकूमत ने यह राह विखाया। उस वास्ते मलिक अनायत अली साहब सिड़े चिंजी दे एक मारूफ सियासतदान पीटीआई दे जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ विंग नॉर्थ पंजाब सिड़े सामने मौजूद हैं और आज मैं मलिक हूँ सारी मैं अगर कवाली सारी गा देती तो मलिक अनायत अली साहब क्योंकि मैं तो उन्होंने सुनी हुई कि भाई उन्होंने दस्या वा मैं गुजारिश करे सा मलिक अनायत अली साहब सब तो पहले मैं मुबारकबाद करे सा वहाँ बड़ी खुशी हो रही, बड़ा खूबसूरत एक मंजर है, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है कि सिड़े इलाके दे चिंजी नेशनल पार्क का मलिक खुशी हो रही। मलिक साहब के तुम चेहरे से भी लाली वेख रहे हो सो कि मलिक साहब भी खुश हैं। मैं सब तो पहले जी मुबारकबाद पेश करें और शुक्रिया अदा करें जिन्हें लोग उन्होंने लोगों का जिन्हें इस वास्ते एफर्ट की। मलिक साहब तुम जरा असर तफसीली जरा चिंजी नेशनल पार्क के बारे जिस जगह से असं खूबसूरत जगह पर खड़ोते हुसन चिंजी का है, लेकिन इस हुसन दुनिया तक पहुँचाने का एक जरिया बनया ये चिंजी नेशनल पार्क, इस बारे तफसीली असं थोड़ी जी गाइड कर दो, इस इफ्तिताह कदों हो रहा गौर आ रहा सारी तफसीली जरा जरा मेहरबानी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी मैंने चिंजी तारिक महसूस साहब का मैं भी आज मशहूर हाँ जिन्हें सीढ़ी आवाज थोड़े तक पहुँचाई है ना, तो सीढ़े इलाके वास्ते बड़ी खुशकिस्मती भी जनाब कि सीढ़े जनाब गवर्नमेंट पाकिस्तान नाब सीढ़े कैद इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक नाब ये क्लाइमेट एक्सचेंज सीढ़े स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नाब मलिक अमीन असमत साहब नाब और सलमान वड़ाइश साहब नाब सेक्रेटरी साहब नाब उस बाद पी डी रशीद अमान साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तो जनाब फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ हुई भी ना असा जनाब बड़ा एजाज़ है कि असा चिंजी जनाब नेशनल पार्क दिता गया ना। इस काफ़ी सारी चीज़ अमन असा इंशाला इस पार्क में झीलें भी हो सन डैम्स भी अमन ना वो उस बाद चेयर लिफ्ट का भी मनसूबा है ना टी डी पी असी होटल के प्रोग्राम है टिक शॉप का भी प्रोग्राम है ना जी असा इसका इंशाला 25 तारीख मलिक अमीन असलम स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एक्सचेंज मेहंदी दावत जनाब आने पैन इनशाला और 25 तारीख असं दफ्तर करने पैन ओपन करने पैन ना इसे बहुत सारा असं अपग्रेडेशन है फिलहाल सिर्फ जो फेस वन कंप्लीट होया ना। अच्छा इस तो बाद फेस टू वे थ्री वे फोर वे फाइव वे ना। अच्छा इस विच बहुत सारे असं होर भी काफ़ी सारिया चीज़ा जी एड करनिया मन वो इनशाला इस इफ्तार तो बाद असं मजीद करसा तो ये अज तो नहीं यही सा एक तारीखी इलाका है और ये एक बहुत ही गन्ना और गहरा जंगल है और बहुत टॉप क्लास की जगह है ये अज नहीं बल्कि खान भी सड़क कैद इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान 1991-92 दोस्त के ना इस जगह पर इस गैसट हाउस 30 बंगला चिंजी नेशनल पार्क सड़क को स्टे करें और इतने दोस्तों आने और सैर तफरी वास्ते आने जना। उस तो बाद इतने काफ़ी सारे फॉरेन लोग भी इतने आने जना जो कम अज़ कम हफ्ता 10 दिन महीने महीने स्टे करें इस इलाके करें इतनी इसकी ब्यूटी इतनी खूबसूरती भी जिसकी कोई अंदा नहीं और साड़ी गवर्नमेंट जनाब इस बेहतर इकदाम फिक्र अपग्रेडेशन कर रही और नेशनल पार्क कर रहे जिस टी डी पी और सियात और सकाफत नाम से इलाके की जागरूक और इस सिर्फ एक ही नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पर ही मेगा प्रोजेक्ट इंशाला असं लॉन्च कर रहे हैं इस तरह इलाके की कम्यूनिटी के लोगों का बड़ा फायदा हो सी इलाके की लोगों की जमीन के रेट बद वैसे ना
उस तो बाद सिडे इलाके के लोगों ने बेरोजगारी जी वो भी खत्म हुई सी, काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी मिल गया सी। उस तो बाद तीन चार होटल हो गया, टिक शॉप हो गया, ना मुख्तलिफ तफरी सकाफत टी डी पी वाले प्रोग्राम, फिशरी डिपार्टमेंट हो गया, स्मार्ट टेम्पल हो गए, ना हार्टीकल्चर हो गए, ना इंशाल्लाह नेत्र ने जैतून बहुत ज़्यादा ना सिडे को ना उसकी पेमेंतकारी की वजह ना मैंने माइंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इंशाल्लाह मैं कल परसों सिटी सीनियर ऑफिसर्स मैंने को आ रहे हैं उन्होंने बकायदा मुकम्मल मैं ब्रीफिंग में उन्होंने देसन ना उस मजीद असं अपडेट एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस पास नाम मैं खुद तैयार करा और महकमा जे सीनियर साहबान सिडे नाम इस्लामाबाद इस क्लाइमेट एक्सचेंज ना उन्होंने भी मैंने बीटका काफ़ी दफ़ा हो चुकी है वन तो इंशाल्लाह फर्दर भी मैं इंशाल्लाह जो इफ्ताह में उस एजेंडा में आपने पेश करा अपने इलाके की भी नुमाइंदगी करे सा और इस इलाके पूरे दी एक सिर्फ चेंज ही नहीं है बल्कि चेंज के अलावा हटके भी तकरीबन पूरा तासीर रंग तासीर लावा और तासीर डिस चकवाल ये पूरे इस इलाके की ही किस्म का ये मेगा प्रोजेक्ट है ना तो इंशाल्लाह जी अल्लाह खैर की इसमें बहुत बेहतर इकदाम हो रहे हैं वन और इलाके की सकाफत बल्कि पूरे पंजाब जो पूरे पाकिस्तान जो टूरिज्म बल्कि फॉरनर भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम इतना इंशाल्लाह बड़े तरक्की इस दसा भाई फेज वन मुकम्मल हो चुका फेज वन मुकम्मल हो चुका अच्छा फेज टू और थ्री फोर फाइव जी जी उन्होंने बारे के अगो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जी मैं दस छा उसे मसलन सड़े रेस्ट हाउस वगैरह भी अमन ना उसके बाद टिक शॉप भी वगैरह भी अमन ना उसके बाद डैम शैप भी अमन सड़े ना सही उसके बाद सड़े जनाब इतने झीलें शीलें भी अमन चेयर लिफ्ट भी अमन ना गो उसके बाद काफ़ी सारे उसे बहुत सारी चीज़ें मन हार्टीकल्चर प्रोग्राम ना वो इंशाल्लाह सारे इस लॉन्च कर सकते हैं कोशिश कर सकना मजीद असी अपग्रेडेशन हासिल करें मैं सीनियर क्यादर ना अपने सीनियर बैरोक्रेसी ना सीनियर अफसरान ना हर वक्त चौबी घंटे रबते चाह बल्कि मैं इसमें बाद जाके पता नहीं कितनी मीटिंग में मैं डिपार्टमेंट आना की मन तो इंशाल्लाह मैं बड़ी पूरी कोशिश सीढ़ी कि सड़ा इलाका तरक्की करे और बड़ी सीढ़ी खुशकिस्मती भी कि मैगप प्रोजेक्ट इंशाल्लाह असी बिल्कुल जी कोई शक नहीं है बिल्कुल तुसंदी गल जेड़ा विजन जेड़ा गलियां नालियां तो हट के इस किस्म को मेगा प्रोजेक्ट आवन सड़े इलाके च आवन ता सड़े इलाके तरक्की करे ना इलाके दी जेड़ी ब्यूटी पता लगे भाई कितना नेचुरल सड़े इलाका है ये बड़ा एक घना जंगल है ना बहुत खूबसूरत बिल्कुल उच्च उच्च पहाड़ है प्लांटिंग बहुत ज्यादा चश्मे बने हुए और मसनूई चश्मे बहुत ज्यादा मन नेचुरल अच्छा पॉइंट है ना बल्कि बड़े लोग दोस्त अहबाब काफ़ी दिन तो बल्कि मैं नाबित भी हमारे बड़े खुश भी हम ना मैं अपनी गवर्नमेंट का और अपने कैद इमरान खान के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह सा काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके हो सकता है बहरहाल मुबारकबाद पेश करें असं जी जरा बाकी हूँ इस तो बाद फर्दन फर्दन अस इस जगह पर विजिट कराए सो या जरा के अगला प्रोजेक्ट असि सैर कितों कितों की कराए सो जी सड़क इतने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पॉइंट थोड़े जो मैं विजिट करा देना पिक्चर भी गिन गए ना वो ही थोड़े नाल ला दे ना ठीक है बकाया जनाब इंशाल्लाह फर्दर डिटेल ना मैं बाकी जी गल है वो इंशाल्लाह मैं 25 तारीख मलिक अमीन सब साहब इफ्ताह आ रहे हैं बस मैं ये चाहना है कि एक दफा सेट सीट हो सी जिंदा हो सी मैं इंशाल्लाह वो अपडेट दे दे सकता ठीक है जी बहुत मेहरबानी मलिक नैद अली साहब दा बड़ा मशहूर हां जिन्ने असा चिंजी नेशनल पार्क दी सैर कराई है और इस तुसीं तां कहने पासो जंगल दे विच मलिक साहब फरमा रहे हैं कि जंगल दे विच मंगल बनाने दा मुकम्मल प्लान तैयार हो गया इत्थे दुनिया इंशाल्लाह आसी और लोग जिहड़ा तके सन कि भाई वाकई जिहड़ा ए वाकई ए हुसन जिहड़ा हुण तां कहने पासो सिर्फ इक बिल्डिंग बनी है तो इसका हुसन तुम वेखने पे हो कि इसका कितना शो बन चुका मलिक साहब ये तो मुकम्मल एक सेटअप बन चुका अच्छा पार्किंग मुकम्मल सेटअप मतलब ये बड़ी खूबसूरत अच्छा बैक साइड भी है अच्छा वाचिंग किलोमीटर सारा कच्चा मसनूई नेचुरल नेचुरल ब्यूटी अच्छा नेचुरल ब्यूटी है नेचुरल ब्यूटी हो जाना इस तरीके से पत्थर लाया गया नेचुरल ब्यूटी और सारी लकड़ लाई गई सही 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 मतलब आर्टिफिशियल शै नहीं है आर्टिफिशियल कोई शै नहीं अच्छा तुसी सीधा 15-20 किलोमीटर अंदर कच्चे ट्रैक ते मान के ना सैर कर सने पूरे जंगल दी ना इस नाल नाल असी इंशाल्लाह जी मैं साहब ये तो ये शुरू हो के तुसा ट्रैक दी गल कीती है ये ट्रैक इत्थों शुरू हो रहा
चिंजी तो 30 बंगले तो ये ट्रैक कितने पहुंच रहा? ये जनाब इतना शुरू हो रहा तकरीबन साढ़े जड़े गेस्ट हाउस है जनाब फॉरेस्ट ना पुराना हाउस तो तकरीबन एक किलोमीटर अगे आ गई जनाब इस जनाब इतने इफ्तास आना इस तो नाल जनाब ट्रैक शुरू हो रहा हरी बसनाल बुछाल कलाकार निकल रहा ना जंगल कच्चा ट्रैक जा रहा उस तकरीबन पूरे जंगल की सैर कर सकते उस अस मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ पॉइंट पिकनिक वास्ते एंजॉयमेंट वास्ते शिकार का भी है सिलसिला शिकार नहीं शिकार बिल्कुल हर चीज जंगली जानवर भी सन और पिकनिक पॉइंट भी सन और हर बंदे वास्ते बच्चे वास्ते बुढ़े वास्ते वड्डे वास्ते रेस्ट हाउस हो सन खाना पीना हो सी टिक शॉप हो सन इत्थे बिल्कुल शिकार खुश रहण दा बिल्कुल ममनू बिना कोई बंदे ते शिकार नहीं मतलब कि जिंदगियां जिंदगियां खुशी दा मौका मिलसी इंशाल्लाह इस जगह ते सा मैं ते कहना जी इत्थे नेचुरल जेड़ा मलिक साहब जी को फरमाया भाई इत्थे नेचुरल ब्यूटी होएगी हुण भी विजिटर आवने शुरू हो गए यंग सिटी जनरेशन जेड़ा हो आस्ता आस्ता पहुंच सारे अग्गे कम हो रहे हैं जेड़े वो भी तुसीं ते कहने पिया सो पर हुक्का पे आ मैं तक्का हुक्का है इत्थे मैं तक ये हुक्का इत्थे पे आ जी हुक्का जेड़ा जेड़ा भाई इत्थे आ गए बस हुक्का पीना जिस वो आ गए हुक्का मला कहना तली PTI नादरन विंग दे नॉर्थ पंजाब दे जॉइंट सेक्रेटरी थोड़े से माजरत जेड़ा जो PTI दे सरबराह और लीडर दे असी बड़े मशहूर हाँ कि जेड़े उन्हें असा चिंजी नेशनल पार्क दी बड़े खूबसूरत वेख है हूँ तो कहने पे ना मलिक साहब शहजादा लगना पा ये सामने मंजर हो यार बैकग्राउंड हो खुदा दी कसम है दिल खुश हो ना सामने जरा मलिक साहब दसने पे ओ टावर जरा वाइट टावर है इस उत्ते चढ़ के उत्ते नज़ारा करन पहले भी एक छोटा है लेकिन वो मेरे ख्याल फॉरेस्ट वाला है ते अच्छा पिकनिक पॉइंट बन सन जिथे शापा वगैरह भी हुंदा है अमकानात टिक शॉप दा होटल हो गया ना होटल पेट्रोल पंप दा भी एक पेट्रोल पंप दा कोई प्रोजेक्ट है इथे नहीं क्यों मतलब जहर नजदीक तरीन चिंजी पेट्रोल पंप है लेकिन ये बस साडा ही तकरीबन जदों ही कंप्लीट होणा ते नाल तुसी जेड़ा इर्द-गिर्द इलाके में जितने भी ग्राम चाहे वो जाबा हो गया या चिंजी हो गया इन लोगों दा कारोबारी हिसाब ना बड़ी अपग्रेडेशन होसी ना इन लोगों दे होटल चल वैसन ना इन दी बिल्कुल दुकाना चल वैसन ना क्योंकि लोग विजिट आ सन टैक्सी सिस्टम चल सी इलाके दे लोका भी इस रोजगार मई हो सी ना इलाके दे लोकां दा बहुत ज्यादा ना वसी पैमाने ते कारोबार ना असल में लोग जेड़ा ए चीज अक्सर सवाल करे ने भाई इलाके दे लोका इस तो की फायदा होसी जी ये बहुत ज्यादा फायदा जमीन दी वैल्यू वध वेसी तुहाडे नाम जमीन की वैल्यू वध वेसी तुहाडे कारोबार वध वेसन ना उस तो बाद इत्थे भी इंशाल्लाह जड़ी बेरोजगारी तुहाडी खत्म हो वेसी ना ये बड़ा अच्छा इकदम है कि जिस जी इंडस्ट्री वे साडे इलाके च आ गई ना इसका आने वाले टाइम में सिटी आने वाले नस्ल वास्ते बहुत ज्यादा फायदा है मैं नोट किया ना सर तुसा भी यकीनी तौर पे नॉलेज जो सी कि जेड़े इलाके इस तरह विजिटिंग पॉइंट है ना उन्होंने इलाके जेड़े करीबी इलाके होने उन लोगों घर बना के रखे होने जेड़े किराए वास्ते लोग आने जेड़े स्टे करे ने इलाके उ मतलब रेस्ट हाउस है जो हम मतलब रेस्ट हाउस कितनी कैपेसिटी हो सी लेकिन जेड़े विजिटर जिस ज्यादा आने उन लोगों के घर में स्टे करे ने उते उन्हें बस सहूलियात वो बस किराया देने ना पड़े अपने पॉइंट मुख्तलिफ जगह ते शहर तो नेशनल पार्क चिंजी तो हट के भी जड़े जितने लोगों ने जमीन मना चाहे जाबे दे एरिए जाना चाहे सिर्फ चिंजी दे एरिए जाना जिन्हें रोड के उत्ते अमन मुख्तलिफ जगह ते उन्होंने बड़ी वैल्यू बद गई और उससे होटल बना सकते हो उसे अपनी शॉप्स बना सकते हो उतना मुख्तलिफ किस्म की ना अपने पिकनिक पॉइंट वास्ते ना जो भी है टिक शॉप वगैरह अपने तौर पर बना सकते हैं इतनी भी बन सकते सारे गवर्नमेंट तरफ भी ना लेकिन तुम बाहर ही बना सकते हैं जो विजिटर आ सकते हो तुम्हारे को भी ना स्टे कर सकते हो तुम्हारे को खान पीने का या मतलब कमांड का एक अच्छा जरिया बन गए सी ये खान साहब दे जेड़ा उस विजन दे मुताबिक है कि जो हर बंदा रोजगार कमाए लेकिन हलाल रोजगार कमाए मेहनत ना कमाए मतलब साहब यकीनी तौर पर मतलब ये खूबसूरत जगह और बिल्कुल मैं आखना जेड़ा ये वीडियो वेखसी इंशाल्लाह वो बंदा खुश हो सी कि मलिक साहब एक बहुत खूबसूरत जगह थे
भी वैसी हो और जितने मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान के दोस्तों दावा देना वो तुम आके इतने विजिट करो ना जरूर आके देखो नेचुरल ब्यूटी साड़ी ना इस इलाके की देखो और तुम इंजॉय करे सो इस पूरे इलाके के कहीं भी नेचुरल ऐसी ब्यूटी और इतनी खूबसूरती और इतनी ग्रीनरी सोनी मिलने लगी जेड़े इस इलाके चवे ना और नेचुरल जैतून इतने ना तुम मिलसी ना बिल्कुल पूरा जंगल ही जैतून का ना और बड़े उच्चे उच्चे पहाड़ वादियां इतने ना बड़े निजाम है ना साफ सुथरे पानी के चश्मे पानी के जनाब साफ सुथरे ना चश्मे थे मिल सन ना डैम मिल सन झीलें मिल सन ना रहायश का खाने पीने का इंशाला इंजॉयमेंट करे सो और मैं सारे दोस्त पूरे पाकिस्तान चो इतने चीनी नेशनल पार्क दावत देना सारे आम विजिट कर बहुत मेहरबानी जी मैं सलाम पेश करना इन लोगों के जेडे अपने मुल्क की खूबसूरतियाँ इस तरह बयान करे ने जिस तरह उन्होंने जाती एक चीज़ है ये एक सड़े मुल्क का एहसास सड़े चिंजी का एहसास पंजाब का एहसास तलगंग का एहसास और मलक अल तली का एहसास मैं आखना भाई इस तरह बयान कर रहे हैं इतने जज्बात इतने खूबसूरत अंदाज उन्हें इस इलाके की जी की रहनुमाई की ने इस बारे तारीफ की ने बिल्कुल वाकई जरा इस कोई शक वाली गल नहीं इतने वाकई उन सारिया छियाँ मौजूद हैं तमाम दोस्तों मलक रैतली साहब की तरफों असी दावत देने कि चिंजी नेशनल पार्क के कहने पर तुम विजिट करो और सिडे मेहमान बनो मलक रैतली साहब बहुत मेहरबानी सर थैंक यू वेरी मच अल्लाह।